Hi everyone, good morning, and I really want to share this thing with you because I feel somewhere ki our society and sometimes our parents will not understand that what we want actually. And so it was a news, and that Dr. Navdeep Singh जो 2017 में नीट के टॉपर रह चुके थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया है. और ये बात मुझे इसलिए हर्ट करती है और इसलिए मुझे बोलना है क्योंकि आई फील द सेम बिकॉज अवर सोसाइटी एंड अवर पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स, दे डोंट अंडरस्टैंड कि वॉट वी वॉन्ट एंड रियली अवर सोसाइटी इज लाइक कि आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर अवर सोसाइटी बिकॉज दे टीच अस हाउ टू सेलिब्रेट सक्सेस बट वी फेल एज अ ह्यूमन. आई एम टॉकिंग अबाउट अवर सोसाइटी एंड इंडियन पेरेंट्स. ओके, सो लेट मी टेल यू हाउ. तो जो हमारी सोसाइटी और जो इंडियन पेरेंट्स है वो कैसे है, उन्होंने हमें ये सिखाया है कि सक्सेस कैसे हासिल करना है और आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी रहेगी और लोग आपके आगे पीछे, यानी लोग तो रहेंगे, फिर आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी आपको अच्छे से रखने लगेंगे बिकॉज ऑफ योर सक्सेस एंड बिकॉज ऑफ योर मनी. सो इट हर्ट्स मी अ लॉट एंड आई फील के व्हाट इज़ हैपनिंग विथ देयर मेंटालिटी एंड ये सब हो क्या रहा है कि हमें सब कुछ ऐसे सिखाया जाता है कि हमें सक्सेसफुल ऐसे होना है और अगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए लाइफ में तो वी फेल एज अ ह्यूमन. बट हाउ ऐसा सोसाइटी का और इंडियन पेरेंट्स है, उन लोगों की सोच ऐसी है कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो हमारी लाइफ में कुछ कहने के लिए और दिखाने के लिए कुछ नहीं है. और ये बात अलग है कि उन्होंने लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है और उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो बात अलग है. बट उनको ऐसा चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो ऐसा करने चाहिए कि उनके सारे सपने हैं और वो सक्सेसफुल होना ही चाहिए. बट कैसे, कोई इंसान है, मैं अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो नेट के एग्ज़ाम मैंने कितनी बार, 10 बार दी है, तो मैं हर बार 2 मार्क्स 1 मार्क्स ऐसे रह जाती हूँ, तो क्या मैं फेलियर हो गई? और दूसरी, उसकी कंपैरिजन में मैंने सी टेट एग्ज़ाम है वो क्लियर की है, फिर टैट की एग्ज़ाम है वो मैंने क्लियर की है, तो आप तो मुझे ऐसे नहीं बोल सकते कि आई एम अ फेलियर जस्ट बिकॉज आई एम नॉट डूइंग द वे यू वॉन्ट मी टू डू थिंग्स. तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई आप लोग जो सोसाइटी और जो हमारे इंडियन पेरेंट्स है वो हमें सिखा देते हैं कि सक्सेसफुल नहीं बनोगे तो ये हो सकता है, बट जब हम फेल हो जाते हैं हमारे लाइफ में तो हमें कोई समझाने वाला और हमारे साइड में और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो इतने टॉक्सिक होते हैं, इंडियन पेरेंट्स की मैं बात कर रही हूँ. और 99% जो बच्चे हैं वो स्ट्रेस से और एंग्जाइटी और सुसाइड कर रहे हैं. क्यों वो स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है वो ये बात समझ नहीं पाते कि ठीक है, एक बार मेरा बच्चा या बच्ची फेल हो गई तो इट्स नॉट अ फेलियर. ठीक है, उन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया होता है तो वो पेरेंट्स है, उनकी सोच ऐसी होती है कि हमें सरकारी यानी गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए. बट भाई सरकारी जॉब ही सब कुछ कहाँ, ऐसे किसने ऐसे बोल दिया कि सरकारी जॉब होती है वो ही सब कुछ होती है और पैसा है वो ही सब कुछ है? बट भाई मुझे क्या करना है वो मुझे खुद पता है, तो मैं जिस चीज़ में और जहाँ मैं खुश नहीं हूँ वो मैं चीज़ कैसे कर सकती हूँ?
और इंडियन पेरेंट्स है वो हमें इमोशनली इतना ब्लैकमेल करते हैं, इतना ब्लैकमेल करते हैं, वो लोग ऐसे हमें बोलते हैं कि हमने आपको पढ़ाया लिखाया है और बड़ा किया है, तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप हम बोले वैसी ही जॉब करो और अभी आप हमें पैसे ही दे दो। बट मुझे जो नहीं करना है वो मैं कैसे कर सकती हूँ? और इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सुसाइड भी कर लेते हैं। और ये इंडियन पेरेंट्स, उनका जो सोचने का तरीका है वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि वो लोग खाली हमें सिखा देते हैं कि सक्सेसफुल नहीं बनोगे तो तुम फेलियर एंड यू कांट डू एनीथिंग। और मुझे भी ऐसी बातें बोली गई है कि मैं 4000 की नौकरी भी मुझे नहीं मिल सकती, बट मैंने इससे अच्छी और इससे ज़्यादा पैसे वाली मैंने नौकरी जॉब की है, सो आई एम नॉट अ फेलियर। तो मैं ये सब लोगों को और जो इंडियन पेरेंट्स और जो सोसाइटी है उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी सोच को ऐसे बदल क्यों नहीं सकते, और आपको किसने ऐसे बोल दिया कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो सेटल हो जाने के लिए है और वहाँ ही सब कुछ सेफ है, और जो बिजनेस का आइडिया है, खुद का कुछ करना, वो सब होता है, कुछ सपने होते हैं, वो लाइफ एक ही बार मिलती है, उसमें भी हम कुछ भी कर ले जहाँ हमें मज़ा नहीं आ रहा है, हम खुश नहीं हैं, तो वो चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं? और ये बात वो लोग, और जो ये नीट का जो टॉपर नवदीप है, उन्होंने तो अपना टॉप भी कर लिया, फिर डॉक्टर भी बन गए, फिर भी उन्होंने सुसाइड किया। फिर उसके पेरेंट्स है वो बोल रहे थे कि हमने तो अपने बेटे से बात की थी और वो बोल रहा था कि मैं ठीक हूँ, बट ठीक है आपका बेटा और आपकी बेटी आपको बोल रही है कि वो ठीक है, बट अंदर से वो कितने स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से गुजर रहे आपको मालूम नहीं है और आपको पता भी नहीं है और आपको आइडिया भी नहीं है कि ये सब चीज़ें होती क्या है। और इंडिया में एक बात ज़्यादा क्या है कि जो इंडियन पेरेंट्स हैं ना वो ऐसा समझते हैं कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन ऐसा कुछ होता नहीं, बट रियल में ऐसा सब कुछ होता है। तो मुझे ये बात इसलिए बुरी लगती है क्योंकि इस फेज से मैं भी गुजर रही हूँ और मुझे भी ऐसे कहीं स्टेज पे ऐसे फील होता है कि व्हाट आई एम डूइंग एंड आई रियली वांट टू डू समथिंग फॉर माय सेल्फ, बट माय पेरेंट्स एंड सम इंडियन थिंग्स दे जस्ट ब्रोक मी एंड आई फील वेरी सैड अबाउट इट एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड देयर मेंटालिटी। एंड मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि भाई पहले जब हम छोटे बच्चे होते हैं हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें बहुत अच्छे से रखते हैं, फिर हमें बड़ा करते हैं, फिर बोलते हैं हमें कि टेंथ में आप अच्छे नंबर ला दोगे तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, फिर आपने ट्वेल्थ कर लिया उसमें भी आपने अच्छे मार्क्स ला दिए तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, फिर कॉलेज में आए तो बोलेंगे कि आप इतने नंबर ला दो, आप इतने परसेंटेज ला दो तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, फिर आपको ये बोलेंगे कि ये एग्ज़ाम क्लियर कर दो, आप ये गवर्नमेंट जॉब ले लो तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। बट लाइफ से सेट होना वही लाइफ का गोल नहीं होता है भाई, आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो इतनी छोटी बात? और इंडियन पेरेंट्स और उनकी मेंटालिटी, ओ माय गॉड, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। और ये बात मुझे इसलिए बुरी लगती है कि वो जो खुद का कुछ करना और बिजनेस में वो लोग इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते, और आप ऐसे बोलोगे कि मुझे खाली गवर्नमेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो वो आपको 35 साल या 40 साल तक वो आपको करने देंगे अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तब। बट आप खुद ऐसे सोच रहे हो कि आपको खुद का कुछ करना है तो उनको ऐसे लगेगा कि हम ऐसे ही वेल में बैठे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे और उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर उनको मतलब फाइनेंशियली इमोशनली कुछ भी हम सपोर्ट नहीं कर रहे और हमें पता नहीं वो क्या ही समझ लेते हैं, और वो ऐसे समझ लेते हैं कि हम हमारा जो फ़र्ज़ और हमारी जो ड्यूटी है वो हमें नहीं पता। तो एक्चुअल में होता ऐसा है कि हमें हमारी ड्यूटी और हमें क्या करना है वो सब हमें पता है, बट ये क्या चीज़ हुई कि आपको जो पसंद है वो हम करें तो ही हम अच्छे बच्चे हुए?
तो ये कैसा लॉजिक है? और जो पेरेंट्स है वो ही उनके बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो ऑब्वियस है कि किसी को भी ऐसे सुसाइड करने का, मरने का ऐसा थॉट आएगा। और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी चीज़ें होती है, मैंने खुद फील किया है, इसलिए ये मैं बोल रही हूँ। और मुझे ये सब जो चीज़ें हैं वो मुझे खुद हर्ट करती है, इसलिए मैं आज बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स, डियर इंडियन पेरेंट्स, प्लीज़ आप अपनी सोच को थोड़ा बदलो। और अपने बच्चों को आप पढ़ा लिखा रहे हो, आप उनके ऊपर आप पैसा ऐसे बोल रहे हो कि हमने ये करवाया वो करवाया, तो वो आपकी जागीर नहीं हो जाती। प्लीज़ आप ये बात समझो और ये मेरी रिक्वेस्ट है। फिर वरना बहुत सारे स्टूडेंट हैं, फिर ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कुछ करके भी सुसाइड कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता इस वजह से। तो एज अ टीचर एंड एज अ क्रिएटर मुझे ऐसे लगता है कि इंडियन पेरेंट्स है उनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, और उनको ज़्यादा ये बात समझने की ज़रूरत है कि पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी खुशी, और हमें किस चीज़ में हम वो चीज़ करते हैं उसमें हमें खुशी मिलती है वो करना इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे इंडियन पेरेंट्स है उनके लिए पैसा, सक्सेस वो ही सब कुछ है। अगर आप पैसा कमाओगे तो वो लोग आपको प्यार करेंगे और अच्छे से रखेंगे, और जो सोसाइटी है वो भी आपको तभी एक्सेप्ट करेगी जब आप पैसा कमाओगे और कुछ नाम करोगे तब। वरना आप जब स्ट्रगल कर रहे होते तो आपके पेरेंट्स भी आपको बोलेंगे कि तेरे से कुछ नहीं होगा, ये क्या बकवास फालतू में कर रहा है। तो ये सब हमारे जो इंडियन बच्चे होते हैं उनको ये सब फेस करना होता है, उसमें मैं भी आ गई, इसलिए ये सब मैं बोल रही हूँ। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन पेरेंट्स और सोसाइटी को कि आपने जो ये सब कुछ हमें सक्सेस का और जो पैसे कमाने का, नाम बनाने का, ये जब ज़िम्मा हमारे ऊपर ऐसे डाल दिया है कि तुम्हें ये ही करना है वरना तुम्हारी लाइफ में कुछ रहेगा नहीं और तुम्हारे लाइफ में कुछ है ही नहीं, ठीक है मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, मुझे जो करना है वो अभी मुझे करना है, तो वो बात समझाने में और वो पेरेंट्स को इतना समझाने में भाई इतनी दिक्कत क्यों होती है। और थ्री इडियट्स में वो जो इंजीनियरिंग छोड़ के उसको फोटोग्राफ़र बनना था, तो वो भाई इतना अच्छा फोटोग्राफ़र था तो उनके पेरेंट्स को उसको इतना समझाना पड़ा कि भाई मुझे ये फ़ोटोग्राफी करना अच्छा लगता है और इंजीनियरिंग में मेरा मन नहीं लगता। ऐसी मूवीज़ इसलिए बनी है क्योंकि हमारी जो इंडियन पेरेंट्स और हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो बच्चों को प्रेशराइज करती है कि आपको वैसी तरीके की जॉब चाहिए, करनी चाहिए, और आपको ऐसे ही रहना है तो ही आप अच्छे बच्चे बन पाओगे और आप सक्सेसफुल हो पाओगे। पर आपको कैसे पता कि मैं अभी सक्सेसफुल हूँ कि नहीं? ठीक है मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं कैसे नहीं सक्सेसफुल हुई? ये तो आप सब लोगों ने बता दिया है कि सक्सेसफुल ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बहुत सारे पैसे होने के बाद भी लोग होते हैं वो अंदर से खुश नहीं होते, तो आप ये बात क्यों नहीं समझ पाते कि अपने जो बच्चे हैं उनको जो करना है और उनका जो पैशन है उनमें उनको आगे बढ़ना है तो उसमें टाइम लग सकता है, बट वो फेलियर कैसे हो गया? तो हमारी सोसाइटी ने हमें ये सिखाया कि, और सक्सेस को इतना ग्लोरीफाई किया है कि सक्सेसफुल हो जाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा तुम्हारे पास। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि ये सच भी नहीं, ये सच ही है कि हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स वो भी हमें प्यार करने लगते हैं। या इट्स अ बिटर ट्रूथ बट इट्स अ रियलिटी। हमारी सोसाइटी है वो भी हमें अच्छे से बुलाने लगती है और हमारी वाहवाही होने लगती है, बट जब स्ट्रगल के टाइम पे आप हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे और हमें इमोशनली सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक यू ऑल फेल एज अ ह्यूमन।
और मुझे ये जो इंडियन पेरेंट्स हैं उनको बोलना है कि पैसा और जो नाम है वही सब कुछ नहीं होता है। तो कभी आप अपने बच्चों को भी समझो, क्योंकि फिर आप ऐसे बोलते हो कि हमारे जो बच्चे वो बड़े हो गए वो हमें नहीं समझते, पर एक्चुअल में होता ऐसा है कि वो आपसे अच्छे से इसलिए बात नहीं कर पाते क्योंकि आप एक बात को ही लेके पकड़ के बैठे हो कि तुम्हें यही करना है, तुमने ये नहीं किया इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुमने हमारे पैसे है वो फालतू में ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, और हमने इतना पढ़ाया लिखाया तुम्हें तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए था बट तुम क्या कर रहे हो। तो आप वहाँ पर अटके हुए और आपके जो बच्चे हैं वो आपको समझाना चाहते हैं कि इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी और सक्सेस, कुछ हॉबी शौक ऐसा होता है तो वो समझना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो ये बात एक्सेप्ट कर नहीं पाते और अपने बच्चों को समझ नहीं पाते, इसलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सुसाइड करते हैं। और कुछ लोग तो सक्सेस हासिल करके भी, जैसे नवदीप जैसे लोग डॉक्टर बन के नीट में टॉप करके भी उन्होंने सुसाइड कर लिया, उसकी वजह तो हमें नहीं पता। बट बात ये बोलनी थी कि हमें सक्सेस है उसको कैसे ग्लोरीफाई करना है वो तो आप लोगों ने सिखा दिया, बट जो फेलियर है और जो स्ट्रगल है उसमें क्या करना है वो हमें किसी ने नहीं सिखाया, और उसमें हमारा कोई सपोर्ट इमोशनली फाइनेंशियली तो वैसे भी नहीं कोई करने वाला, तो वो हमें खुद से ही करना है, बट हमें कोई इमोशनली भी सपोर्ट नहीं कर रहा है विच इज़ वेरी बैड थिंग एंड आई रियली फील सैड कि ये बात पेरेंट्स है वो समझ क्यों नहीं पाते।